हेलो एंड वेलकम टू ताज़ा रेसिपीज। आई एम रितु। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बनाने में जितनी ही इजी है, खाने में उतनी ही पौष्टिक है। कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। वेल देन एन एप्पल मिल्क शेक अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एज वेल एज कीप्स यू नरिश्ड ऑल डे। हमारे एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं: एक गिलास दूध, एक सेब यानी कि एप्पल, 3 चम्मच चीनी, शक्कर और 4 से 5 आइस क्यूब्स। सबसे पहले हम एप्पल को धोकर इसके अंदर के बीज निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके छिलके भी निकाल सकते हैं, बट चूंकि एप्पल के छिलकों में नरिशमेंट होता है, इसके लिए मैं छिलके निकालना अवॉइड करती हूँ। और इसको और छोटा करके मिक्सी में डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, साथ ही इसमें डाल देंगे हम आइस क्यूब्स, फिर मिलाएंगे थोड़ा सा दूध। दूध को हमने पूरा एक साथ नहीं डालना, नहीं तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अभी हमें इसे घुमाना है। बाकी का बचा दूध है वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और फिर से एक बार इसे घुमा देंगे। अगर आप चाहें बच्चों के लिए इसमें 1 चम्मच वनीला आइसक्रीम भी मिला सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मैं हेल्दी मिल्कशेक बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसमें कोई आइसक्रीम नहीं डाली है। मिल्कशेक तैयार। एप्पल मिल्कशेक बनाते ही पी लेना चाहिए, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। चीयर्स। बहुत यम्मी मिल्कशेक बना है। आप भी प्लीज ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लीज लॉग ऑन फॉर मोर रेसिपीज ऑन ताजारेसिपीज.com। तब तक के लिए Eat healthy, look good, feel better. Bye.